हेलो वेलकम। इम्पल्स हमारा आज का टॉपिक है। जब एक बहुत बड़ी फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो हम उस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स का नाम देते हैं। जब एक फोर्स किसी बॉडी पर थोड़े से वक्त के लिए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे, तो उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इस कंसेप्ट मजीद क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कि हमारे पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी का जो मास है वो एम है। हम क्या करते हैं, इस बॉडी पर हम एक फोर्स लगाते हैं, एक बहुत बड़ी फोर्स इस बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं थोड़े से वक्त के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम इस बॉडी पर ये वाली फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स कहेंगे, क्योंकि ये हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इस बॉडी पर लगा रहे हैं। अगर हम इस फोर्स और इस टाइम का प्रोडक्ट ले लें, अगर हम इस फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ले लें, तो वो प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाता है। फोर्स और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। डेफिनेशन ऊपर लिखी है कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देख लें तो ये है भाई कि ये अप्लाइड फोर्स है जो हमने इस बॉडी पे लगाई, और ये वाला टाइम है। अप्लाइड फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट लिया तो वो क्या बन गया हमारे पास, इंपल्स। अप्लाइड फोर्स और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के प्रोडक्ट को हम इंपल्स कहते हैं। अब इसके फार्मूले की बात करते हैं। इंपल्स को हम आई से शो करते हैं, और क्योंकि इंपल्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इस पर वेक्टर का साइन भी हमने डाल दिया। अब देखें, ये फोर्स है और ये टाइम है। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं। कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एक एग्जांपल बताता हूँ। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्रिकेट जो है ये भी एक इम्पल्स की एग्जांपल है। कैसे भाई, देखो ये हमारे पास बॉल है, और ये बॉल जो है इस वक्त बॉलर से रिलीज हो चुकी है। ये जो बॉल है इस वक्त बॉलर से रिलीज हो चुकी है, इस वक्त ये बॉलर से रिलीज हो चुकी है। जब ये बॉल बैट्समैन के पास आएगी, तो बैट्समैन जो है इस बैट के जरिए इस बॉल को हिट करेगा। अब बैट के जरिए जब इस बॉल को बैट्समैन हिट करेगा, तो बैट के जरिए जो है बैट्समैन इस बॉल पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जो होती है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, थोड़े से वक्त के लिए होती है। और उस फोर्स को अगर उस फोर्स का उस टाइम तक उस टाइम के साथ जितने देर में बैट्समैन इस बॉल को हिट करता है, उस टाइम को और फोर्स जो इस बैट के साथ इस बॉल पर लगाता है, उस टाइम का और फोर्स का अगर हम प्रोडक्ट ले लें, तो वो प्रोडक्ट जो है इंपल्स कहलाता है। अब देखो भाई, बैट्समैन इस बैट के जरिए इस बॉल पर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स जो है टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी आफ्टर द ड्यूरिंग द कोलिजन। इधर मैंने कंसेप्ट के लिए लिख दिया है कि व्हेन ए बैट हिट्स ए क्रिकेट बॉल, देन दी अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉल बाय द बैट चेंज टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोलिजन। तो फोर्स जो है वो ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। जब ये बॉल जो है इस बैट से कोलाइड होगा, इस बॉल के करीब आएगा, तो बैट से इस बॉल पर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स जो है टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी, और इसलिए इस फोर्स को हम इम्पल्स कहते हैं। फोर्स और टाइम के रिलेशन को हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है भाई, अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि फोर्स और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। अब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन पर से जाने से पहले मैं इसका यूनिट भी बताता चलूं। ये देखो, इम्पल्स का फार्मूला आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी। अगर हम इसके यूनिट बनाना चाहें, तो हमें पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इम्पल्स का यूनिट क्या बना भाई, न्यूटन सेकेंड। ये न्यूटन सेकेंड इम्पल्स का यूनिट है, इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड है। अब हम बात करते हैं इम्पल्स के मोमेंटम के साथ रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन द इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो ये है कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। ये देखो, ये इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी,
किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम में चेंज आता है उसके इक्वल होता है इंपल्स। इंपल्स किसी बॉडी के मोमेंटम के चेंज के इक्वल है। आई इज इक्वल टू डेल्टा एम वी। डेल्टा एम वी क्या है अभी? मोमेंटम। डेल्टा मीन चेंज, जो मोमेंटम में चेंज आता है इंपल्स उसके इक्वल है। अब इस रिलेशन को जो है हमने प्रूफ करना है डेरिवेशन के जरिए। तो इसके लिए मैं इधर थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखो, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि अप्लाइड फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो फोर्स उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। इलास्टिक क्योंकि वेक्टर है इसलिए इस पर हमने वेक्टर का साइन पुट कर देते हैं। अब देखो, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स जो है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। फोर्स जो है बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, ये हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं। अब देखो, अगर हम इस फोर्स और टी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है भाई? फोर्स को और टी टाइम को हम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है। ये वाली साइड इस साइड पे आ जाएगी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो भाई, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं भाई? इंपल्स। तो इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ, एफ मल्टीप्लाई टी। इसकी जगह मैं आई यानी इंपल्स लिख देता हूँ, इंपल्स। और ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को हम डेल्टा मोमेंटम, डेल्टा एम वी यानी कि चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं। अब इस इंपल्स को जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इस डेल्टा एम वी को चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इंपल्स किसी भी बॉडी के मोमेंटम के चेंज के इक्वल होता है। इंपल्स किसी भी बॉडी के मोमेंटम के चेंज के इक्वल होता है। तो इस बात को हमने प्रूव कर दिया। दैट इज ऑल अबाउट योर टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू माई नेक्स्ट वीडियो।